फूजी फिल्म कॉरपोरेशन ने भारत में कैंसर और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की जांच पर ध्यान केंद्रित करते हुए दो नए नूरा स्वास्थ्य जांच केंद्र खोलने की घोषणा की है। फूजी फिल्म कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ और प्रतिनिधि निदेशक टेची गोटो ने इन केंद्रों के खोले जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नूरा फूजी फिल्म के चिकित्सा उपकरणों का प्रयोग करता है जो हाई डेफिनेशन इमेज प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित चिकित्सा आईटी सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है जो डॉक्टरों को कैंसर और जीवन शैली की बीमारियों की जांच और परीक्षण सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। गुरुग्राम में नूरा स्वास्थ्य जाँच केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर फूजी फिल्म होल्डिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ और प्रतिनिधि निदेशक श्री टेची गोटो ने कहा, हम जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में उच्चतम स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भारतीय बाजार से हमारा विशेष जुड़ाव है, इसलिए हमारा उद्देश्य देश में स्वास्थ्य जांच सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। गुरुग्राम में सेक्टर 43 में DLF फेस 5 में स्थित नूरा स्वास्थ्य जांच केंद्र स्वास्थ्य जांच सेवाओं के माध्यम से प्राप्त जानकारियों का उपयोग करेगा। गुरुग्राम और मुंबई में दो केंद्रों को मिलाकर फूजी फिल्म कुल 3 नूरा साइटों में कैंसर और जीवन शैली की बीमारियों की जांच की सुविधा प्रदान करेगी। कंपनी उभरते देशों में अपना स्वास्थ्य जाँच केंद्र सेवा व्यवसाय का और विस्तार करने के लिए नए नूरा केंद्रों की स्थापना जारी रखेगी। ऐसा माना जाता है कि भारत में कैंसर रोगियों में 5 साल तक जीवित रहने की दर लगभग 30% है, जबकि जापान में यह दर 70% है। भारत में जीवित रहने की दर कम होने का कारण स्वास्थ्य जांच सेवाओं का कम उपलब्ध होना है, जिससे कैंसर का जल्द पता लगाने और प्रारंभिक उपचार प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाई होती है। नूरा केंद्र फूजी फिल्म के CT स्कैन और मैमोग्राफी सिस्टम सहित विभिन्न चिकित्सा उपकरणों से लैस है। साथ ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चिकित्सा IT प्रणाली है जो डॉक्टरों को गहन जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है, जो स्थानीय निवासियों और आसपास की कंपनियों चिकित्सा सुविधाओं के कर्मचारियों को जापानी शैली की उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रदान करती है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने यहां की स्क्रीनिंग सेवा का अनुभव किया है और नूरा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से वे संतुष्ट हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thank you so much for that. So I now invite Dr. Tausif to speak a few words about Nura services that we have in India. Thank you, sir. So why Nura? Let's answer that question. We are driven and backed by artificial intelligence. We've ensured that the radiation dose that you get in. So we have technology advantage. We use very ultra low dose CT scan. We have a DEXA scan which scans your bone density, also total body fat. We look for oral cancer, big problem in India, number one cancer among men in India. We have 3D mammogram, pain free. Okay, all women who go through our mammogram are happy to come back next year. Traditional mammogram, nobody wants to do it the second time. And of course, colposcopy, looking for cervical cancer, which is the number 3 cancer for women in India. Right, what do we do? So the normal CT radiation dose is 50 times that of an X-ray. At Nura, as much as an X-ray dose. The problem, though, is the first image. It becomes noisy, right? And this is the high radiation CT image, which is very clear for you. And there is a lesion there, which is not picked up. So Nura takes that grainy image with low radiation, uses the AI to produce an image of this quality, and then uses a second AI to produce or pick up even the smallest lesion that cannot be missed by the naked eye, which you probably might have missed looking at the middle scan, right? This is the technological advantage that Nura has, and that's why we're so proud to keep on talking about it. That is what we try to do at Nura for you. And this is a test that they did on Japanese doctors. So they took a mammogram and looked at a study from 2011, 12, and 13,
And the doctor coronary scope, heart attacks notoriously develop slowly over 4 or 5 years. We are able to use our CT scan. I'm sure it's a small image, but we're really happy about it. Where do you get a D? I need to take care of about it. To a few different things, yeah. Okay. From me, just short welcome word. Namaste, everybody. Good morning and welcome to His Excellency, Mr. Satoshi Suzuki, Ambassador of Japan too. Welcome to Nura Gurgaon. I'm Koji Wada, Managing Director of Fujifilm India. It's a great pleasure to have an opening ceremony with all guests here today. I take this opportunity to welcome our guests and blessing us with their esteemed presence. Opening of AI Health Screening Center Nura in Gurgaon is an event full of joy and emotions. 11 years ago, I lost my father to cancer. Even though Japan, we have very good health screening system, but he just hesitated. When there's so much more we can do. In healthcare, we're revolutionizing diagnostics by applying our imaging expertise and AI technology, which aim to enable earlier detection of disease. But why stop there? Well, we can apply our expertise in cell biology to help make vital vaccines and treatments available to all. And we can focus our research into including cancers and infectious diseases. But why stop there? Well, we can also consider the health of the planet. Our innovations in data storage are reducing CO2 emissions. We'll never stop innovating for a healthier, more sustainable from innovation. तो नूरा जो है फ्यूजीफिल्म और डॉक्टर गुटी हेल्थ केयर की कोलैबोरेशन से बनी हुई कंपनी है। अब जापान में जब आप देखते हैं तो लोग एनुअली सालाना एक बार जो है अपना हेल्थ का स्क्रीनिंग कर लेते हैं, वो बीमारी आने तक वेट नहीं करते। तो उससे क्या होता है, बीमारी जब छोटी होती है या एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे होती है तो उसको तभी के तभी फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं। इससे आपका खर्च कम होता है, आपको जो तकलीफ होती है वो कम होती है, आपका जो टाइम स्पेंड होता है वो कम हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट वो लोग फ्यूजीफिल्म ने वहाँ से इंडिया को लेके आए। अब इंडिया को लेके आए तो यार उसमें फ़र्क क्या है, आप लोग तो एनुअल हेल्थ चेकअप्स करते होंगे, तो यहाँ उन्होंने जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आए। तो जैसे सीटी स्कैन होता है जिसमें ट्रेडिशनली ज़्यादा रेडिएशन होती है, यहाँ पे उन्होंने सीटी स्कैन का रेडिएशन बिल्कुल एक्सरे की तरह कम कर दिया। तो सिर्फ एक्सरे लेवल रेडिएशन आपको मिलती है, लेकिन इससे जो है उसका जो इमेज आता है थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके वो ब्लर को क्लीन अप करते हैं, और सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके छोटे से छोटा लीजन भी जो अपने आंखों से मिस हो जाए उस लीजन को फाइंड आउट करते हैं। इससे जो है बहुत ही अर्ली, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइक द डिजीज बिफोर इट स्ट्राइक्स यू, बहुत ही अर्ली आप बीमारी को फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे इलाज पा सकते हैं। अब इसमें कौन सी बीमारियां आती हैं, टॉप 5 कैंसर इंडिया के आ जाते हैं इसमें, ओरल कैंसर रहो, लंग कैंसर रहो, कोलन कैंसर रहो, लेडीज के लिए ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब कैंसर अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। आगे चल के हम ओवेरियन कैंसर भी करेंगे, स्टमक कैंसर भी करेंगे, फिर हार्ट अटैक्स, ECG और एको जो होता है वो हार्ट अटैक्स आने के बाद फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पे हम जो है सीटी स्कैन के जरिए से हम हार्ट में कितना कैल्शियम ब्लॉक है वो ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं। अब ये ब्लॉक्स देखने से क्या होता है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपके हार्ट के ब्लड वेसल में ब्लॉक शुरू हो रहा है या कितना ज़्यादा हो गया है, ये आपको पता चल जाता है। अगर कम है तो अच्छी बात है, तो आप सिर्फ दवाई या लाइफस्टाइल चेंजेस से इसको बदला सकते हैं वापस। अगर ज़्यादा हो गया है और बाय गॉड्स ग्रेस आपको हार्ट अटैक नहीं हुई है, तो आप जा सकते हैं अपने डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, वो आपको एंजियो कराएंगे, फिर आपको सही ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो आप हार्ट अटैक आने से पहले बचा सकते हैं। ऐसे हम बोन वीकनेस चेक कर सकते हैं, बोन का डेंसिटी स्कैन करते हैं। तो आजकल जब उम्र हो जाती है तो बोन फ्रैक्चर बहुत कॉमन होते हैं, और जब किसी ओल्डर पर्सन का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम हो जाती है और रिस्क ऑफ डेथ ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए बोन डेंसिटी का वीकनेस जो है जब हम 40-50 साल की उम्र में फाइंड आउट करना शुरू कर लेते हैं तो उसको कोर्स करेक्ट करने से उनका फ्रैक्चर रिस्क भी कम होता है। ऐसे और भी करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इसके लिए करते हैं, किडनी, लिवर फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल, शुगर टेस्ट, ये सब इसमें आ जाता है। तो ये और डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आई चेकअप, अब डायबिटीज़ जिनको होता है तो उनका जो पीछे जो आंख का पर्दा होता है उस पर खून लीक होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से उनको ब्लाइंडनेस आ जाती है और एक सर्टेन स्टेज के बाद इररिवर्सिबल हो जाता है। अगर हम अर्ली फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको रिवर्स कर ले सकते हैं और ब्लाइंडनेस अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे एक एक गिने चुने चीज़ जो इंटरनेशनली बहुत ही वैलिडेटेड है उनको एक साथ एक पैकेज में नूरा ने यहाँ इंडिया में स्टार्ट किया। उन्होंने मेन फोकस किस पे किया, मेन ज़्यादा कैंसर्स पे, हार्ट अटैक्स पे,
बोन डेंसिटी पे किया है मेन फोकस, प्लस ऑफ कोर्स रूटीन ब्लड टेस्ट भी किया है, साथ में और भी एड हो गया आई चेकअप, स्ट्रोक का चेकअप, ये सब अब एवोल्यूशन में है, चल रहा है। तो जब जैसे जैसे हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आएगी उस सबको एक एक करके सब ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ये जो सीटी स्कैन अब बाहर कहीं पे भी करेंगे तो आपको काफ़ी हाई रेडिएशन डोज एक्सपोजर होना पड़ेगा, और साथ में कॉस्ट, जितने भी हम स्कैन जा कर रहे हैं, डेक्सा कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, मैमोग्राम कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर, आप अगर करेंगे कहीं और तो आपको शायद 40-50 हज़ार खर्च जाएगा। यहाँ पे फिजिकल वालों ने इसको कम करके आपको 18,000 एक ही पैकेट दिल्ली में आपको ला दिया है, बैंगलोर में से थोड़ा कम है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है 18,000 में। तो ये आपको पीस मील करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, नंबर वन। दूसरी चीज़ है रेडिएशन एक्सपोजर, यहाँ पे उनका रेडिएशन एक्सपोजर 97% कम है कंपेयर टू बाहर के आप कहीं भी रेगुलर सीटी स्कैन में करेंगे, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल ऐसा होता है, हमारे प्रोटोकॉल में हमने उसको कम कर दिया, बस उनका प्रोटोकॉल में वो जो रूटीन होता है जो नॉर्मल होती है हर जगह जैसा करते हैं वहाँ पे करते हैं, तो हम उसको बार बार एक्सपोजर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है जो रेडिएशन यहाँ पे एक्सपोजर होता है विद इन 1 वीक या 2 वीक्स सिस्टम से बाहर आ जाता है, तो आपको रिस्क बहुत कम होता है। तो मैं तकरीबन 3,500 लोगों की स्कैनिंग की है और तकरीबन 300-400 लोगों को हमने क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट किया है, जो जैसे कि हार्ट अटैक रिस्क था या कैंसर रिस्क था उनको डिटेक्ट किया है, और फिर उन्होंने उससे ट्रीटमेंट पाके अच्छे हो गए, और भी ज़्यादा तकरीबन और एक 700-800 लोगों को माइल्ड स्टेज में डिस्कवर किया है। तो उसके बाद भी वो लोग अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस या फिर चंद लोगों के लिए दवाइयाँ उस पर रिवर्स कर पाए, डोंट हैव टू गो फॉर नेक्स्ट। आगे हम यहाँ से एक्सपैंड होंगे, अभी तो फिलहाल हम दिल्ली तक आए हैं, आगे हम मुंबई जाएंगे सेप्टेम्बर में। अगर आप सब लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोग भी ये बिहेवियर प्रैक्टिस चेंज करेंगे तो और आगे इंडिया में 100 सेंटर्स तक का अपना प्लान धीरे धीरे करेंगे ओवर द नेक्स्ट। तो हमारा फिलहाल कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में। अब आगे हमारे पीछे और लोग टेक्नोलॉजी इसको ईजाद करेंगे, उसको ऐड करेंगे, शायद हॉस्पिटल्स आएंगे या टेक्नोलॉजी कंपनीज आएंगे, स्कैन कंपनीज आएंगे, वो लोग ऐसा शुरू करेंगे तो फिर कॉम्पिटिशन शुरू होगा। फिलहाल ये तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, वी आर पाथ ब्रेकर्स, पायनियर्स हैं ये फील्ड, ऐसा पहले किसी से नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मैसेज होगा रहा वैसे, आइए मुद्रा को देखिए, अगर आके आप हमसे बात करिए, आपको अच्छा लगे यहाँ पे, आपका हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो स्क्रीनिंग सेंटर है, जो टेक्नोलॉजी हमने लाया है, जो एथिक्स और वैल्यूज हम लाए हैं, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ गेट योर स्क्रीन, सिर्फ आपको ही नहीं आपके फैमिली मेम्बर्स को कराइए, खासकर आपके यू नो पेरेंट्स जो है उनको लाइए, उनको कराइए, ताकि बीमारी आने से पहले आप उनको बचा सकें। बीमारी आने के बाद बहुत तकलीफ होती है, उससे पहले बचा लेंगे तो दे बी वेरी हेल्दी एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ।